तो अब ये हम लोग कोविड-19 को भी डिस्कस कर लेंगे, बट आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट एक तो काफी अरसे बाद उनकी सामने आई है, और वो भी फिर 18th अमेंडमेंट को ही लेकर सामने आई है। क्या प्रायोरिटीज जो है वो कोविड-19 आपके ख्याल में वहां पर हमें अलाइन नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया नीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये इजलास जो हुआ है कोविड-19 के हवाले से हुआ है, लेकिन असल चीज जो होती है वो हुकूमत लेकर चलती है। हुकूमत चूंकि जाहिर है अक्सरियत में होती है और वजीर आजम पूरी कौम का वजीर आजम होता है, वो हाउस ऑफ द लीडर होता है। बदकिस्मती से वो इजलास में भी नहीं आ रहे, और जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया, ये हुकूमती जो बेंचेज हैं उनके जो वुजरा हैं उनको अपने लबो लहजे में नरमी लानी चाहिए थी। एज ए नेशन हमें लेकर चलना चाहिए था। आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी स्पीच सुनी होगी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। उन्होंने कहा ना तो हम किसी किस्म का इस वक्त को इनको जवाब देंगे, जिंदा रहेंगे तो बिल्कुल हम आपस में जब इलेक्शन में जाएंगे एक दूसरे पे तनकीद भी करेंगे, या ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा तो हम हर वो काम कर लेंगे, आप हमें सब बुरा कहें भला कहें सब कुछ करें, लेकिन अभी नहीं, अभी ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। हम यहाँ बैठे मिलकर एज ए नेशन, क्योंकि कौम हमें देख रही है, कौम के नुमाइंदे वो, ये जो तारीख बन रही है, और आप देखेंगे तारीख में लिखा जाता है जब भी कोई इस तरह का थानिया होता है, इस तरह की वबा आती है तो तारीख बन रही होती है। अब ये हमारे हाथ में है, हम उसको बेहतर बना के उसमें कोई ऐसा काम कर जाए कि हमें याद रखा जाए, या फिर हम इसी तरह से फना हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे, मैं तो कहती हूँ कि हम कोई अच्छा काम कर जाए, हम अपने लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बेहतर इकदाम कर जाए। और आपने कहा जिस तरह के सादिक सरदार आसिफ अली जरदारी साहब का, तो आप ही देखेंगे एक तरफ जो है टिड्डी दल का जो हमले हैं वो मुस्तकिल जारी है, और वफाकी हुकूमत ने बारहा यकीन दहानी कराई।